नमस्कार दोस्तों, वेव एंड ऑप्टिक्स के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग दो परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस के सुपरपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। परपेंडिकुलर यानी अगर मान लिया जाए कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है, तब अगर उनका सुपरपोजिशन किया जाए, उनको मिलाया जाए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग का सिलेबस का पहला टॉपिक है वो है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज। यानी दो रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक, रेक्टेंगुलर यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए पर एम्पलीट्यूड एंड फेज अलग अलग होने चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा केस पकड़ते हैं जब फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 है। तो हम लोग देख लेते हैं एक्स के, हम लोग दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक्स एक्सिस की तरफ एक वाई एक्सिस की तरफ पकड़ा गया। एक्स एक्सिस की तरफ जो है उसका इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है और दूसरा जो है वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा जो हो गया दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो देख रहे हैं एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस भी है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम है। ओमेगा हम लोग पढ़े थे कि ओमेगा इक्वल्स टू 2πn या 2πf होता है, जहाँ पर n या f फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात कहेगी तो हम लोग ओमेगा यूज़ करेंगे, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखा जाए ये फर्स्ट जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग का एक्स बाई ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉस ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस थीटा अगर निकालना है तो इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लगाया गया कॉस ओमेगा टी यानी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का वैल्यू एक्स बाई ए होता है तो ये पुट कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम लोग क्या क्या निकाले। अब सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। तो यहाँ से अगर हम लोग वाई बाई बी करते हैं तो साइन ओमेगा टी केवल रह जाएगा। अब इसको साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले में तोड़ लेते हैं यानी साइन सी कॉस डी कॉस सी साइन डी चलाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग लिख लिया गया साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब देखिए साइन ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पता हुआ है कि साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स बाई ए, तो यहाँ पर रख दिया गया। कॉस डेल्टा को ऐसे रहने दिया गया। कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इधर पुट कर दिया गया। साइन डेल्टा को जैसे का तैसे रहने दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब ये जो टर्म था x बाई ए कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग इस साइड लेके चले आते हैं मतलब इक्वल टू के इधर। तो हो जाएगा y b इधर था ही y बाई बी, देखिए y बाई बी माइनस ये उधर चला जाएगा तो x बाई ए कॉस डेल्टा और इधर ये वाला टर्म रह जाएगा। यानी y बाई बी माइनस x बाई ए कॉस डेल्टा इधर और जो बाकी टर्म था वो इस साइड ही छोड़ दिया गया। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a स्क्वायर ये हो गया प्लस b स्क्वायर ये हो गया माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर माइनस 2xy इधर ab cos डेल्टा हो गया। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों साइड स्क्वायर करने पर, इधर वाले को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये साइन डेल्टा का साइन स्क्वायर डेल्टा चलाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इधर अगर इसमें साइन से दोनों टर्म में इंटू कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो देखा जाए हम लोग का चला आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, तो साइन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी वन हो जाएगा, तो ये टर्म हम लोग का बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर चला आएगा और ये जैसे का टर्म है वैसे रहने दिया गया, और एक जो ये साइन वन के साथ जो साइन स्क्वायर डेल्टा था इधर की तरफ बच जाएगा। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट इक्वेशन फाइनल फॉर्म मिल गया इक्वेशन का। तो ये हम लोग का कुछ ना कुछ इलिप्टिकल मिलता जुलता कर्व है, एलिप्स जैसा कर्व है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो एलिप्स है वो थोड़ा बहुत एक्सिस के साथ इंक्लाइंड किया हुआ है, यानी इसका परफेक्ट एलिप्स की तरह ना दिखाकर हम लोग एक इंक्लाइंड इस तरह का डायरेक्शन दिखाते हैं, जिसके एक्सिस का लेंथ एक है 2a और दूसरा है 2b, एक सेमी मेजर एक्सिस और एक को सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। तो ये एक्सिस के साथ इंक्लाइंड किया हुआ एक हम लोग को एलिप्टिकल नेचर मिलता है, यानी दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों, जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, फेज डिफरेंस उनके बीच हो और फ्रिक्वेंसी सेम हो, तो अगर उनका सुपरपोजिशन करते हैं तो हम लोग को एक एलिप्टिकल नेचर का कर्व मिलता है जो एक्सिस के साथ एक डेफिनेट एंगल पर इंक्लाइंड है। अब अगर हम लोग मान लिया जाए कि ये फेज के वैल्यू को यानी डेल्टा के वैल्यू को अलग अलग पुट किया जाए, अलग अलग वैल्यूज़ अगर पुट किए जाएँ डेल्टा के, तो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि डेल्टा का वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, यानी दोनों जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस थे उनका फेज जो है ज़ीरो हो जाए, यानी कोई फेज डिफरेंस ना रहे, तब हम लोग को क्या मिलेगा? तो हम लोग देखते हैं ये इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे जो फाइनल फॉर्म आया था, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस डेल्टा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो पहले में हम लोग दोनों के फेज को सेम यानी डेल्टा का वैल्यू जीरो रखें, तो कॉस जीरो और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर जीरो, यहाँ पर कॉस जीरो यहाँ पर साइन स्क्वायर जीरो, यानी हम लोग को कॉस जीरो का वैल्यू पता वन होता है और साइन स्क्वायर जीरो का वैल्यू हम लोग का जीरो होता है, मतलब साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो हम लोग को कुछ ये जो फॉर्म केवल इतना ही बचेगा, ये सब बाद हो जाएंगे, ये सब टर्म हट जाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, इस तरह का कुछ इक्वेशन मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब अगर दोनों साइड हम लोग रूट कर लिया जाए तो ये हम लोग का मिल जाएगा क्या, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू जीरो, यानी वाई बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई ए, यानी वाई इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स चला आएगा। ठीक है, यानी ये कैसा हम लोग का इक्वेशन मिल रहा है, वाई इक्वल्स टू, हम लोग पढ़ें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक पढ़ते थे हम लोग, ठीक ना, जहाँ पर सी इंटरसेप्ट था, एम जो हम लोग का स्लोप था, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जीरो हो जा रहा है, यानी एकदम ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप जो हो रहा है हम लोग का b बाई ए पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएं, इंटरसेप्ट जीरो यानी एकदम एक्सिस से पास करेगा या ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप पॉजिटिव है यानी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट केस, जहां पर हम लोग डेल्टा का वैल्यू को जीरो रखकर चेक किया, यानी दोनों के फेज को सेम रखा गया। अब मान लिया जाए कि दोनों के फेज को अपोजिट कर लेते हैं, यानी डेल्टा का वैल्यू पाई पकड़ लेते हैं, पाई 180 डिग्री का डिफरेंस, यानी एक दूसरे के अपोजिट अगर एक्ट करे, तब तो वही इक्वेशन वन में अगर हम लोग पुट करें तो कॉस हम लोग का डेल्टा था तो यहाँ पर कॉस पाई हो जाएगा, उधर साइन डेल्टा था, साइन स्क्वायर डेल्टा था तो साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा, तो यानी हम लोग का कॉस पाई और साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा। तो साइन पाई का वैल्यू भी जीरो मिलता है और कॉस पाई का वैल्यू किंतु माइनस वन होता है, तो यहाँ पर हम लोग का प्लस हो जाएगा, यानी ये जो पीछे वाला रिलेशन ही था उसी तरह का है, ये जीरो वन था यानी ये माइनस ही रह जा रहा था, यहाँ पर ये केवल वैल्यू हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाने पर क्या होगा कि ये हम लोग का इक्वेशन इस तरह का आ जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से अगर हम लोग फिर वो रूट करके या स्क्वायर को हटा दिया जाए तो वाई इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई ए हो जाएगा, यानी वाई इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, यानी पूरी बात वही रह रही है, इंटरसेप्ट जीरो हो रहा है लेकिन स्लोप क्या हो जा रहा है, हम लोग का नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव स्लोप होने के कारण ये जो हम लोग का कर्व जो है इस डायरेक्शन में चला आ रहा है, मतलब नेगेटिव स्लोप हो जा रहा है उसका। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है लेकिन विथ नेगेटिव स्लोप। ओके,
तो ये हम लोग को याद रहेगी दो बातें। अब देखते हैं थर्ड, अगर मान लिया जाए कि हम लोग भाई डेल्टा का वैल्यू पाई बाई टू रख दिया जाए, यानी जो फेज डिफरेंस है वो अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो क्या होगा। तो फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो यहाँ पर भी जो कॉस डेल्टा था तो वहाँ पर पाई बाई टू हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर डेल्टा था तो साइन स्क्वायर पाई बाई टू चलाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई बाई टू का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू वन होता है, तो इस तरह का कर्व हम लोग को मिल जाएगा, नेचर मिलेगा। तो ये हम लोग जानते हैं एकदम परफेक्ट इलिप्स का कर्व है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर रखे हुए इलिप्स का इक्वेशन है, जिसका सेमी मेजर एक्सिस 2a और सेमी माइनर एक्सिस 2b है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री हो तो पूरा हम लोग को इलिप्टिकल कर्व, इलिप्टिकल नेचर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम लोग का फेज डिफरेंस पाई बाई टू हो और साथ ही साथ ए और बी का वैल्यू सेम हो, यानी दोनों जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड का वैल्यू सेम है, तब हम लोग को इक्वेशन वन से क्या मिलेगा। तो यहाँ पर कॉस डेल्टा था तो वहाँ पर पाई बाई टू चला है, इधर साइन डेल्टा था तो पाई बाई टू, एकदम पीछे वाले जैसा है, और जहाँ पर बी था वहाँ पर हम लोग ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बेचारा ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और हम लोग का तो फाइनल जो फॉर्म है वो पीछे इस तरह का हो जाएगा कि ये पूरा ज़ीरो हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएंगे, ए स्क्वायर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इधर वन के साथ इंटू कर देंगे, तो यानी हम लोग को ये नेचर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस ए है। तो अगर हम लोग का फेज डिफरेंस पाई बाई टू और एम्पलीट्यूड सेम होता है तो जो कर्व मिलता है वो हम लोग का परफेक्टली सर्कल होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग अच्छे से समझ के रखेंगे, जो पास कोर्सेज पास कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस यही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऑनर्स जो वाले हैं उनमें हम लोग को थोड़ा सा एक दो बातें एक्स्ट्रा पढ़नी है, मतलब दो और तरह के सुपर पोजिशन पढ़ने, जैसे यहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंसी का रेशियो 1:1 रखा गया, अगर फ्रिक्वेंसी का रेशियो को चेंज करेंगे तो क्या क्या होगा, तो ये हम लोग आगे की तरफ बढ़ के वो देखते हैं। तो फिलहाल ये बात हम लोग दिमाग में रखेंगे कि अगर हम लोग का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, फ्रिक्वेंसी सेम हो और एक फेज डिफरेंस हो और दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब जो फाइनल फॉर्म मिलता है वो एक इलिप्टिकल होता है जो एक्सिस के साथ कुछ एक एंगल पर इंक्लाइंड हो। अगर हम लोग जो फेज डिफरेंस है उसके वैल्यू को जीरो रखते हैं तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव स्लोप पर होता है, और इसका इक्वेशन हम लोग को वाई इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स होता है, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि अगर हम लोग फेज डिफरेंस को 180 डिग्री रखते हैं तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन फिर मिलता है, लेकिन फेज क्या रहता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ माइनस बी बाई ए स्लोप के साथ मिलता है। अगर हम लोग फेज डिफरेंस को 90 डिग्री रखते हैं तो हम लोग को एक रेक्टेंगुलर इलिप्स मिलता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखा हुआ इलिप्स मिलता है, और जिसके सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस ए और बी पूरे हम लोग को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग डेल्टा का वैल्यू या फेज डिफरेंस का वैल्यू 90 डिग्री रखा जाए और दोनों के एम्पलीट्यूड को सेम कर लिया जाए तो हम लोग को जो फाइनल कर्व मिलता है वो हम लोग को सर्कल मिलता है, जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोग दो रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही सुपर पोजिशन किया जाए जिनका एम्पलीट्यूड अलग हो, कुछ फेज डिफरेंस भी हो और एक हम लोग का फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग हो, तो हम लोग को दो केसेस पढ़ने हैं हम लोग के सिलेबस के हिसाब से। एक अगर फ्रिक्वेंसी का रेशियो 1:2 हो तब क्या होगा, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि अगर फ्रिक्वेंसी का रेशियो 1:3 हो तो क्या होगा। तो ये दोनों बातें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों एकदम जैसे पहला वाला केस हम लोग पढ़े उसी तरह का है। दो हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस पकड़ लेते हैं, एक एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और एक वाई इक्वल्स टू बी साइन टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो देखिए ये फ्रिक्वेंसी का रेशियो ओमेगा इंटू इज टू टू ओमेगा, यानी 1:2 हम लोग का हो जा रहा है, ठीक है।
फर्स्ट वाले इक्वेशन से वही काम करते हैं, x बाई ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी का वैल्यू यानी रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम लोग का निकल आएगा। सेकेंड वाले इस इक्वेशन से फिर उसी तरह से बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं कि y बाई बी यहाँ से हम लोग अलग कर लेते हैं, इक्वल्स टू साइन टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब ये साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन टू ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस टू ओमेगा टी साइन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग के दिमाग में होगा, साइन टू थीटा इक्वल्स टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन टू ओमेगा टी यानी हो जाएगा टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस डेल्टा रहने दिया गया। कॉस टू ओमेगा टी का भी फॉर्मूला हम लोग को याद होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन डेल्टा। तो ये सब निकाल के हम लोग का मेन पर्पज क्या है कि साइन ओमेगा टी का वैल्यू पता है यहाँ से, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, साइन ओमेगा टी का वैल्यू पता है, तो ये सब वैल्यूज़ हम लोग धीरे धीरे करके इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो वाई बाई बी हम लोग को यहाँ पर पता था साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू पता है, साइन ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दिया गया और बाकी सबको जैसे का तैसे उतार दिया गया। अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ रख लेते हैं, तो ये वाला टर्म इस तरह से चलाएगा, इसको जैसे वैसे उतार दिया गया। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी चलाया इधर, इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का फोर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये रूट हट जाएगा और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो ये हम लोग का कुछ इस तरह का इक्वेशन चलाया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड वन माइनस टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा ऐड कर देते हैं। तो दोनों साइड ऐड कर देने से हम लोग को क्या मिलेगा, इस साइड में देखिए, जब ये वाला पहला जो साइड था इधर की तरफ हम लोग ये वाला टर्म पूरा ऐड किया गया, तो देखा गया ये दोनों सिमिलर टर्म है एकदम, और साथ में हम लोग का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। तो केवल हम लोग का वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये रह गया, ठीक है, ये चला आया। बाकी जो टर्म है उनको जैसे का तैसे हम लोग उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों में से कॉस स्क्वायर डेल्टा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये पूरे का वैल्यू वन हो जाता है, यानी कॉस स्क्वायर डेल्टा चला आता है, यानी जो हम लोग का फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का हो जाता है कि ये इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हों उनका फ्रिक्वेंसी का रेशियो अगर 1:2 हो तब, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम लोग डेल्टा के वैल्यू को जीरो कर दें तब क्या होगा। तो डेल्टा के वैल्यू को जीरो करने से क्या क्या जीरो हो जा रहा है, ये देखिए, कॉस स्क्वायर डेल्टा इधर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये दो टर्म हम लोग के हो रहे हैं, तो साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है। तो ये पुट कर दिया जाए तो हम लोग को कुछ इस तरह से फॉर्म चलाएगा, ठीक ना। इसको अगर तोड़ा जाए, यानी इसको अगर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ें और उसके बाद रीअरेंज करें तो हम लोग को कुछ इस तरह का फाइनल फॉर्म मिलेगा, ये हम लोग को फॉर्म मिलेगा। ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है और दो लूप्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ डिग्री इक्वेशन है और इसमें दो लूप्स हैं जैसे ड्राइंग में दिए गए हैं उस तरह से हम लोग को मिलते हैं। तो ये अगर हम लोग डेल्टा का वैल्यू जीरो यानी फेज डिफरेंस जीरो दोनों के फेज को सेम कर दिया जाए तब ऐसा नेचर मिलेगा। सेकेंड, अगर हम लोग दोनों के फेज डिफरेंस को 90 डिग्री कर दिया जाए, ठीक है, दोनों का फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री का हो जाए तो अगर हम लोग ये फाइनल जो फॉर्म था हम लोग इस फॉर्म में यहाँ पर भी डेल्टा के जगह पर भी 90 डिग्री इस डेल्टा के जगह पर भी 90 डिग्री रखा जाए तो क्या मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 जीरो होता है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, केवल हम लोग को इधर वाले टर्म जो है वो बच जाएंगे, साइन 90 डिग्री भी वन होता है तो ये टर्म मिल जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल फॉर्म ये रह गया। अब इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्म चलाएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस
इसको अगर हम लोग ठीक से अरेंज कर लिया जाए, पहले इनटू करके स्क्वायर करके अगर अरेंज कर लेंगे तो हम लोग को फाइनल जो फॉर्म मिलेगा कुछ इस तरह का चलाएगा, ठीक ना। तो ये जो फॉर्म आ रहा है ये इसमें क्या है कि हम लोग के लोग दो इक्वेशन का स्क्वायर मिल रहा है, जो दो को इंसिडेंट पैराबोलिक पैराबोलिक इक्वेशन है, तो दो पैराबोलिक इक्वेशन का दो को इंसिडेंट पैराबोला का इक्वेशन को इंडिकेट करता है, जिसमें से प्रत्येक पैराबोला को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, अगर खाली ये वाला स्क्वायर हटा दिया जाए, केवल अंदर वाला टर्म ले लिया जाए और यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए तो इस तरह से चला आएगा और ये बगल में हम लोग का पैराबोलिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अगर डेल्टा का वैल्यू यानी फेज डिफरेंस 90 डिग्री कर दिया जाए तो हम लोग को ये केस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर 1:2 होता है और दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो होगा कोइंसिडेंट पैराबोलिक कर्व मिलता है, जिसमें से प्रत्येक का इक्वेशन हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये रही बात 1:2